शब्द, एक मिनट रुके ओमकारेश्वर जी, मैं एंकर हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं ओमकारेश्वर जी, उसके बाद आपके पास, आपके पक्ष के आदमी ओमकारेश्वर, मैं आ रहा हूं आपके पास ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जी इस पर टिप्पणी। लगता है कि हम लोग चाहे जितना भी डिबेट कर लें, जितनी कोशिश कर लें, आज का हिंदुस्तान पहले से ज्यादा मैच्योर है, वो रिलीजन के नाम पे नहीं जा रहा है। हम चाहे मुस्लिम लीग की बात कर लें, मंगलसूत्र की बात कर लें, किसी और चीज़ की, अभी बात रिजर्वेशन मुस्लिम्स के हो रही थी, उसमें कास्ट्स की, कास्ट्स और क्लास के वर्ड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेरे सामने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वो लिस्ट है जिसमें सभी राज्यों के वो सूची नाम पढ़ के सुना देंगे शहजाद जी, गुजरात के भी बहुत सारे नाम है, बिहार के भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं। अब उसमें उसमें उन्होंने शब्द जो यूज किया है, The government has already provided reservation to some Muslim communities under other backward classes category. Classes, वही classes तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा था। अर्णव जी अब मुझे आने दीजिए, अर्णव जी, नाउ दिस इज नॉट फेयर। आप एक मिनट इस वक्त रत्नाकर जी, आप रत्नाकर जी देखिए, अभी ओमकारेश्वर जी और इनके बीच में डिबेट होगी, स्क्रीन पे सिर्फ ओमकारेश्वर और शहजाद पूनावाला होंगे, वन टू वन डिबेट होगी आप दोनों के बीच में, आप दिस इज नॉट राइट शहजाद जी, आप दोनों के बीच में होंगे, आप दोनों स्क्रीन पर, आई हैव टू स्पीक, यू विल स्पीक, यू विल, अच्छा ओमकारेश्वर जी, आप इनको इंटरवेंशन के बाद फिर बोलेंगे, थैंक यू, आप सिर्फ दो लोग स्क्रीन पर हैं भाई साहब, आप दो लोग स्क्रीन पर हैं और कोई नहीं, इनकी बात सुन ले, दिस इज नॉट फेयर, आप में से एक को, आप में से एक को थोड़ी देर, नहीं आई एम नॉट कंसीडिंग, आई एम नॉट, देखिए आप में से दो, आप दोनों में से एक को, आप दोनों में से एक को सिस्टम, आप दोनों में से एक को, आप में से एक, दिस इज नॉट राइट मैम, अच्छा ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखिए, आप मेरे, आप पर भरोसा, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, आप मेरे पे भरोसा करें, मैं बस इतना ही चाहता हूं, आप मेरे पे भरोसा करें मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं ओमकारेश्वर जी, मैं इनको चांस दे रहा हूं, उसके बाद 100% आप पर आऊंगा जी, जी आप डायरेक्टली बात करें, आप इनके तरफ देखकर बात क्यों नहीं, आई विल डू इट, आप इनके तरफ देखकर बात करिए, 30 seconds विदाउट इंटरप्शन, जस्ट नाउ व्हेन दे वर सेइंग टू, हिंदी में बोले, हिंदी में, जब ये पुष्पेंद्र कुलशेष को 1-4 मिनट पहले बोल रहे थे, मैंने बताया क्लियरली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों में जातियां नहीं क्लासेस को आइडेंटिफाई किया है, जो उन्होंने पढ़कर ही साबित कर दिया। और दूसरा मेरा एक सवाल, जो मूल सवाल है, ये कह रहे ना मुस्लिम आरक्षण के लिए नहीं है, ये तो समाज के लिए चाहते हैं, ओबीसी एससी एसटी के पक्ष में, एएमयू में मुस्लिमों को पूरा दिया गया है, वहां से एससी एसटी ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने खत्म किया, एक बार कांग्रेस लिख कर दे दे कि हम एएमयू में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण चाहते हैं, राइट, ओमकारेश्वर जी एक सेकेंड, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस, क्योंकि आप तो कांग्रेस के सवाल पे पीछे हट जाएंगे, सुन लीजिए, अच्छा ओमकार, क्या कांग्रेस सुनकर जवाब, एक सेकेंड सुनकर जवाब, आप कांग्रेस के ही पक्ष के लिए आए, सुनकर सवाल, सुनकर जवाब, आप पर्सनल बात छोड़ दीजिए पर्सनल बात, फिर बोलिए कि एएमयू में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण मिलता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं तो एक्सटेंड कर दूंगा डिबेट को, मुझे बोलने का मौका, रत्नाकर जी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, दर्शक देख रहे हैं, अरे क्या बात करें, बुझाने की जरूरत है, मैं खुलकर बात करने वाला, मैं कोर्ट से डरने वाला आदमी भी नहीं हूँ, आप एक मिनट, आप तरीका ठीक नहीं है कि मेरे एक वाक्य दो लोगों को स्क्रीन पे रखा जाए, ये तरीका, शहजाद जी आप भी इतना कंप्लेन मुझे बोलने दीजिए, मैं पूछ रहा हूं क्लियर कट, कांग्रेस पार्टी ने एएमयू जो सेंट्रली फंडेड है वहां पर एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म किया, उस पर आपका स्टैंड क्या है, ये कांग्रेस वाले जवाब देंगे, मेरा सवाल क्या तरीका हो गया, एक मिनट भाजपा पे एक मिनट देंगे कांग्रेस, एक मिनट, अभी आपने पूछा, जवाब सुन ले, मैं सवाल कर रहा हूं जी, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो रिलीज पढ़ा है वो 2011 का है, आप 2014 से पावर में हैं, आप इस पर इतना ऑब्जेक्शन है तो आपने क्या इसको कैंसिल करने के लिए कदम उठाया, वो क्लास है, क्लास है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब क्लास है, वही तो इसका मतलब मुस्लिम ओबीसी में क्लास को रिजर्वेशन देना चाहिए, अब दोनों मेरी बात सुने, फिर आपको देना चाहिए, मेरी बात सुने ओमकारेश्वर जी मेरी बात सुनिए जरा, दो मिनट बताइए, अरे ओमकारेश्वर, अरे शहजाद सुनिए मेरी बात, पांडे ओमकारेश्वर जी, शहजाद सुनिए मेरी बात, किसी भी, अरे ओमकारेश्वर जी ये बहुत हद हो गई, अभी मैं कुछ कह रहा हूँ ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए, मैं इसकी जो है ना लिटमस टेस्ट करने वाला हूँ, देखिए दो मिनट जरा शांत हो जाए, मैं अपनी बात, देखिए अगर आपकी राय है या आपकी थिंकिंग है कि भारत में कोई भी मुसलमान पैदा हो या मुसलमान हो
मुसलमान होने के नाम पे, वो मेल फीमेल जेंडर जो भी हो, मुसलमान हो तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आप ये क्लास कास्ट इधर ये वो दिखा के कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो है उसी को एक्सटेंड करेंगे, नहीं है, गलत है। क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी, मूल मुद्दा ये है कि आप मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि देखिए आप कोई भी वर्ग से हो, किसी भी मुसलमान के कोई भी समुदाय से हो, शिया हो, सुन्नी हो, कुरैशी हो, अंसारी हो, आपको आरक्षण मिलेगा। अब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुस्लिम कोटा के खिलाफ हैं तो आप मुझे आज बताइए लाइव टीवी पर कि कौन से वर्ग हैं मुसलमानों के जो आपके मुस्लिम कोटा में इंक्लूड नहीं होंगे, नाम बताइए। अच्छा आप मुझे जरा बताइए, संविधान ने क्लास को दिया है रिजर्वेशन की कास्ट को? मेरे जवाब का सवाल पहले मुझे के जवाब दीजिए, दे दीजिए ना, यही चल रहा है ना, दे दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ तो दे दीजिए। आप बताइए ओबीसी क्यों फंस गया? फंस गए आप बुरे फंसे, आप फंस गए। अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया है कास्ट को? नहीं नहीं, आप मुसलमानों को कोटा क्यों देना? पहले ये बता दीजिए, ये टर्निंग पॉइंट हो गई इलेक्शन, इसलिए कि जो इन्होंने पढ़ा उसमें माइनॉरिटी, मुझे लगता है कोई भी कोई मुसलमान भी इसका माइनॉरिटी रिजर्वेशन देखिए फ्रॉम अदर बैकवर्ड। एक बाइट प्ले करूं, एक कमेंट है राहुल गांधी की जो ट्वीट हुई है, एक इसको सुन ले, ये प्ले की जाए, ये प्ले की जाए, एक मिनट 30 सेकंड में वापस आ रहा हूं। मोदी जी आप क्या औरतों को आरक्षण न्याय देंगे? आप क्यों हंस रहे हैं? पुष्पेंद्र जी आप क्यों हंस रहे हैं? आपको पुष्पेंद्र जी क्यों हंस रहे हैं? आप इनके वीडियो मत चलाइए, आप इनके बातों पर, आप लोग डॉक्टर अमित शाह जी की भी डॉक्टर, आप क्यों हंस रहे हैं इनके वोटों? अमित शाह की भी डॉक्टर वीडियो चलाते हैं, तुम्हारे सारे तुम्हारे लेख को क्या कहो? तड़ाक पे आ गए, आ गए तू तड़ाक, संविधान तड़ाक पे आ गए। लोग बैठे हुए थे तब रिजर्वेशन नहीं मांगा था किसी ने? मैंने आपको जो आप दो बोलिए ना, है कंफ्यूजिंग टू थिंग्स, नो 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 लिसन, उसको रत्नाकर मेरी एक लाइन, मैं एक लाइन सर बोल लीजिए सर। आपने कहा कि इस्लाम में जाति होती है, मेरा पॉइंट सरकार ने क्या किया, इसने क्या, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती हैं, मैंने कहा नहीं होती, ये आपके, मैंने इसलिए कहा सीरिया ईरान, चलिए चलिए इस बात, ये बात बहुत खिंच चुकी है। एक मिनट अरविंद जी 10 सेकंड, एक ब्लाइट प्ले करता हूँ, इसको देख लीजिए रत्नाकर जी, ये बाइट है राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने क्या कहा, इसको प्ले किया जाए ना, 10 सेकंड बैंड, इसको प्ले करता हूँ फिर आता हूँ, ये प्ले हो रही है बाइट, 1 2 3 गो प्ले कीजिए। ये रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा चलिए। ये गलत बाइट चला दी है गरिमा ने, फिर से मैं राहुल गांधी की बाइट प्ले करूंगा, एक मिनट राहुल गांधी की बाइट आएगी, ये गलत बाइट प्ले की गई है। रत्नाकर जी देखिए देखिए जो भी हो रहा है इस देश में ये गलत हो रहा है, क्योंकि रंगरेज भिष्टी छिप्पा हेला भर्तिया इस सब क्या है? रत्नाकर जी आप क्लास बोलते रहिए, आप क्लास बोलते रहिए, जाति नहीं, आप क्लास बोलते रहिए, जैसे कुमार हमारे जी भाई, हमारे यहाँ जाति नहीं होती, इसमें आता है बढ़ई जाति नहीं होती सर, आपने वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण किया है, फिर वही चीज़ तो मुसलमानों में जो आप मुझे बताइए, मुसलमानों में उस काम के हिसाब से, लेकिन इस्लाम में जाति नहीं होती। मैं यहाँ इस्लाम पे डिबेट करना, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती है, मैं कह रहा हूँ नहीं होती, आप कंसीड करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट रत्नाकर जी एकेडमिक बात ना आए, देखिए ये लोग प्रोग्राम जो देख रहे हैं आज, हमारे जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, रत्नाकर जी एक मिनट, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं जीत कौन रहा है, सिंपल सी बात है, ये एकेडमिक डिबेट इधर ही बंद हो जाए। देखिए नहीं मैं मेरी बात सुनिए, देखिए ये बात है कि कई लोग हैं इनकी दुकानदारी पर ताला लग चुका है, ये मेरी बात है, आप भी जानते हैं इनकी एंट्री बंद, मैं जानता, इनकी एंट्री बंद है, कांग्रेस से इनका लगाव है, पुराना लगाव है, ये लोग अभी 80-90 पूरे 100 का माहौल बना रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं दोस्तों, 80-90 पूरे 100, 80 बन गए तो हमारी सरकार बन गई, ये कहते 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भाग, अब मैं इधर रोकू नहीं, ये मैं कहने वाला बीजेपी निकल के भागा, मैं 80-90 के बाद मैं आपको यही कहने, मैं आपको मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता, मैं पूछ रहा हूँ आपको, निकल के भागा रत्नाकर जी ये जो राग छेड़ा हुआ है इन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुमत के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है? 273। तो ये
ये कैसे कोई सीरियस आदमी कोई सीरियस आदमी कैसे कह सकता है कि 272 273 सीट की जरूरत नहीं है, 80 सीटों से सरकार बना लेंगे। ये क्या बात चल रही है? कोई सरकार बता दीजिए जो 100 और 150 या 100 के कम के नंबर से किसी ने कोई एक तरह से खिचड़ी सरकार बनाई है जो एक साल भी चली हो। और मेरा ये मानना है कि भारत में आज एक स्थिर सरकार की जरूरत। आप कोई भी एक सरकार का नाम बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो अनस्टेबल सरकार थी। एक हमें स्टेबल सरकार की जरूरत है ओमकारेश्वर जी, सिंपल सी बात है। भारत को आगे जाना है तो स्थिरता चाहिए। इंडिया अलायंस की सरकार मोस्ट स्टेबल होगी सर। अभी दिख रहा है कितने नंबर। आप बताइए, आप बताइए पंजाब की स्टेबिलिटी। चलिए चलिए, नहीं एक शहजाद जी, एक मिनट, ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी, हरियाणा की स्टेबिलिटी, रत्नाकर जी, मैं कह रहा हूं फुल मेजॉरिटी। शहजाद जी एंकरिंग मत कीजिए, शहजाद जी रुक जाइए। रत्नाकर जी इधर बात करिए। रत्नाकर जी आपको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सीरियस डिबेट हो रही है, आप छेड़िए मत। मुझे ये बताइए कि कोई भी सरकार बनी है हमारे देश के इतिहास में जहाँ पे कोई एक पार्टी को अगर 200 सीट मिनिमम नहीं हो तो वो स्टेबल सरकार नहीं। आप तो मोदी जी की गुजरात वाली बात बोल रहे हैं सर। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हम देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। ना सर, आप तो वर्बेटम वही बोल रहे हैं। मैं वर्बेटम इनसे पूछ रहा, आप इनके लिए जवाब क्यों दे रहे हैं? ओमकारेश्वर जी को जवाब, ओमकारेश्वर जी आप बताइए। पहले उस बात को समेट देता हूँ बड़ा अच्छे से, क्लास और कास्ट की जो बात हो रही थी, अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या उसकी खुशबू बदल जाएगी? अरे पर इस्लाम में जो चीज नहीं है उसको काहे घुसा रहे हो? कास्ट कह लो या क्लास कह लो, सरकार ने जब इसको दे रखा है तो वो तो वही रहेगा ना, वो भिष्टी इस्लाम में, पर छोड़ो वो पॉइंट, पर वही रहेगा। दूसरी बात के बिना बन सकती, दूसरी बात क्या स्टेबल सरकार, क्या अटल जी ने जब कोअलिशन सरकार बनाई थी तो उनके शौक से बनी थी? कोअलिशन सरकार किसी पार्टी के शौक से बनती है? आपने बीजेपी ने फुल मेजोरिटी होने के बावजूद एनडीए बनाई है, शौक से बनाई है? अरे किस लिए बनाई? अच्छा लुक, नहीं नहीं, मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी मुझे जवाब दूंगा। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई है ना, उन्होंने मजबूरी में सरकार बनाई। आप मुझे बताइए, नहीं मजबूरी नहीं, कोलिशन की मजबूरी, कोलिशन की कोलिशन। चलिए मेरी बात सुन ली, अगर अकेले उनको मिल जाता तो कोलिशन क्यों लेते साथ? ओमकारेश्वर जी, ममता को भी, अन्ना और ओमकारेश्वर जी, बात मैं समझ जाता हूँ, मैं समझदार व्यक्ति हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मई 1996 में सरकार बनी थी पहली बार अटल जी की, कितने दिनों तक चली थी? 13 दिन चली। तो मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि आप 13 दिन की सरकार चाहते हैं इस बार? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो दूसरी बात भी जो कोअलिशन गवर्नमेंट चली है, मैं ये कहता हूँ। तो मैं आपको उल्टा सवाल कर रहा हूँ। देखिए इतना तो जानकार मैं हूँ, उसके बाद 1998 में, मार्च 1998 में फिर से सरकार बनी है ना। अब मुझे बताइए कितने सीटें थी? 182 सीटें थी बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की। कितने दिनों तक सरकार चली? 390 दिनों तक। क्या आप 390 दिन की सरकार, एक साल की सरकार चाहते हैं? आपको मैं सवाल कर रहा हूं मानेवर, आप HD देवेगौड़ा जब वो प्रधानमंत्री बने थे, मैं रिपोर्टर हुआ करता था, कितने दिनों तक सरकार चली? 324 दिनों तक। क्या आप 324 दिन की सरकार चाहते हैं? उसके बाद और एक व्यक्ति आए, इंदर कुमार गुजराल, कितने दिनों तक उनकी सरकार चली? 332 दिनों तक। क्या आप 332 दिनों की चुनाव क्या की सरकार चाहते हैं? मैं सिर्फ जितने लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो कहते हैं बीजेपी का समर्थन करते हैं, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मजबूत सरकार का समर्थन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत को मजबूत सरकार चाहिए, 17 दिन या एक साल की सरकार की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं 2000 कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? रत्नाकर जी आप हर बार कह रहे हैं मैं गलत हूं, कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? ये कैसी बात, नहीं नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही बोल देते हैं, मैं क्यों मानूंगा? आप बताइए 2004 से 14 कौन सी सरकार चली, फुल मेजॉरिटी चली? भैया मेरी बात सुनो, अरे अभी तक आप वही कर दे रहे हैं। मैं आपको 2004 से, मैं आपको 2004 के नंबर भी बता दूंगा। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात बताइए, मैं बैठा हूं आपका चैनल, आप एक मिनट मुझे जवाब दे। इन्होंने एक पूछा, मुझे जवाब जवाब दो इनका, एक सेकंड लगेगा जवाब देने का। देने दीजिए, मेरी बात अधूरी रह गई। आप कहिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैंने तो आपके फुल टॉस पर मैंने सिक्सर मार दिया। हम यहाँ आपके फुल टॉस पर आपको लगता है आपको मैंने कैच आउट कर दिया बाहर, आप ध्यान नहीं। चलिए ओमकारेश्वर स्टूडियो में बैठ